bowed our heads, we'll pray. आइए सर झुका के प्रार्थना करें. Great and Almighty God. महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर. You are not only our God but also our Father. आप केवल हमारे परमेश्वर ही नहीं पर हमारे पिता भी हैं. And this was made possible because of Jesus. और ये केवल यीशु के कारण संभव हो पाया है. And the great sacrifice that He did on the cross for all of us. और वो महान बलिदान जो उसने क्रूस पर हम सभी के लिए चढ़ाया. Not only for Christians. केवल मसीहों के लिए नहीं. But for all those who were born on this earth. पर उन सभी लोगों के लिए जो इस धरती पर जन्म लेते हैं. In all generations. सभी पीढ़ियों के लिए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you for your grace. धन्यवाद आपकी कृपा के लिए. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. For that sacrifice for us. वो बलिदान जो हमारे लिए चढ़ा. For that pain and suffering. वो दुख वो दर्द के लिए. That He bore for us. जो आपने हमारे लिए सहन किया. Though we had rejected you. इसके बावजूद कि हमने आपका इनकार किया. By our sin. हमारे पाप के द्वारा. Yet you accepted us. फिर भी आपने हमारा स्वीकार किया. By giving your life for us. अपनी जान हमारे लिए देकर. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. For your great love. इस महान प्रेम के लिए. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. We believe you are in us. हमारा विश्वास है आप हमारे अंदर है. You're leading us and guiding us. आप हमें चलाते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं. You're directing our path. हमारे मार्ग को दर्शाते हैं आप. You're our life. आप हमारा जीवन है. We live because of you. हम केवल आपके कारण जीवित हैं. Otherwise the Bible calls us dead people. नहीं तो बाइबल हमें मरे हुए लोग कहती है. We resist the devil. शैतान का सामना करते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this today is a great day. आप जानते हैं कि आज बड़ा दिन है. And there are many insights which Holy Spirit has given me. और बहुत सी अंतर्दृष्टि है जो इस घटना को लेकर पवित्र आत्मा ने मुझे दी. To share with you. ताकि मैं आपके साथ बांटूं. But I don't know how many we can see. पर पता नहीं हम बहुत सी कौन-कौन सी घटनाएं देख पाएंगे. Because we have to see many things that happened on this day. क्योंकि इस दिन बहुत सी बातें हुई. Why did Jesus weep on this wonderful day? और इस सुंदर दिन पर क्यों प्रभु यीशु रोए? During this entire week. इस संपूर्ण सप्ताह के दौरान. From Palm Sunday. और ईस्टर के पूर्व के खजूर वाले रविवार के दिन से. During the whole week. और पूरे हफ्ते तक. Till his death and resurrection. जब तक कि वो मर के जी न उठे. Major events happened. बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई. Amen. Amen. The Gethsemane thing happened. गतसमनी क्या बाग का की घटना हुई? In the Garden of Gethsemane. हम देखते हैं गतसमनी के बाग में. We read that the blood came out as sweat. तो हम देखते हैं कि उसका पसीना लहू बन के टपका. Why? क्यों? So all these events are great insights. तो ये सारी जो घटनाएं वो महान दृष्टि दिखाती है. Why did those people who rejoiced and after a few days they rejected him? ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग जो आनंद मना रहे थे प्रभु यीशु के आने पर वही थोड़े दिन के बाद उसे धिक्कारने लगे? So these are great insights. तो ये बहुत सारी अंतर्दृष्टि है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए. Now, first I want to tell you. पहली बात आपसे कहना चाहूंगा. You know, Christians all over the world celebrate these following events. कि जग भर के जो मसीह है ये आने वाली सभी घटनाओं को मनाते हैं. Like this Palm Sunday. जैसे खजूर का रविवार है जो. Then Maundy Thursday. और उसके बाद Maundy Thursday आता Good है. Good Friday. फिर उसके बाद शुभ शुक्रवार Holy आता Saturday. है. Holy Saturday. उसके बाद पवित्र शनिवार आता Easter है. Easter Sunday. उसके बाद ईस्टर का रविवार आता है. These are all spiritual events of our Lord. और ये सारे आत्मिक घटनाएं जो प्रभु के जीवन में हुई. Which we must all celebrate. जिसका उत्सव हमें मनाना है. Amen. Amen. It's not just a celebration to celebrate. ये केवल मनाने के लिए मनाने वाला उत्सव नहीं है. We celebrate knowing the true meaning of it. हम इसलिए उत्सव मनाते हैं क्योंकि इनके पीछे के असली अर्थ को हम जानते हैं. These are the some of the points which Holy Spirit put in my mind. और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाले. As I was just coming down. जैसे मैं आ रहा था. I was just meditating on this. मैं इन बातों पे ध्यान लगा रहा था. And then Holy Spirit gave me these points. और उसके बाद पवित्र आत्मा ने ये मुद्दे मुझे दिए. And some of the things He gave me yesterday. और कुछ ऐसी बातें थी जो कल उसने मुझे बताई. That I will share with you. जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा. There are many festivals that people celebrate. ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो लोग मनाते हैं. You know it. आप खुद जानते हैं. There are many festivals. ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं. That people celebrate. जो लोग मनाते हैं. They want to celebrate. वो मनाना चाहते हैं.
Some celebrate just to enjoy. अब कुछ इसलिए ये त्योहार मनाते ताकि आनंद उठा सके. And they want fun times. अब कुछ लोग मनोरंजन चाहते हैं. Out of all the festivals. और इन सभी त्योहारों में से. Some festivals are earthly. अब कुछ ऐसे त्योहार हैं जो धरती से संबंध रखते हैं. Some are heavenly. और कुछ स्वर्ग से संबंध रखते हैं. Take all this. This is very important. ये सब ध्यान से सुनिएगा. बहुत जरूरी है जानना. I am not going to make it very clear. मैं बहुत साफ साफ खुलकर नहीं बोलूँगा. You have to take it and understand. आपको खुद समझकर इसे जानना है. Some of the festivals are earthly. अब कुछ ऐसे त्योहार हैं जो धरती के त्योहार हैं. Some are heavenly. कुछ ऐसे त्योहार हैं जो स्वर्ग से संबंध रखते हैं. Some give earthly meaning. और कुछ धरती की बातों का अर्थ उन्हें देते हैं. Some give heavenly meaning. और कुछ स्वर्ग की बातों का अर्थ उन्हें देते हैं. Hello. Get all this clear. ये सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा. Then you will know what are these festivals. तब हम बेहतर तौर से समझ पाएंगे कि ये त्योहार क्या हैं. And what about you? और आपके विषय में क्या? What is your standing on the different festivals? और अलग अलग त्योहार को जब आप मनाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? This is very important. ये जानना बेहद जरूरी है. Because these festivals will either change your life. क्योंकि ये त्योहार या तो सदा के लिए आपके जीवन को बदल के रख देंगे. Or it will not benefit you at all. या बिल्कुल आप इनका फायदा उठा ही नहीं पाएंगे. So there are many festivals. ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं. Many are earthly. बहुत से सिर्फ धरती का नाता रखते हैं. Many are heavenly. और बहुत से स्वर्ग से नाता रखते हैं. Many are temporary. बहुत से थोड़े समय के लिए हैं. Many are eternal. और बहुत से सनातन का अर्थ रखते हैं. Some can give temporary and earthly meaning to your life. और कुछ ऐसे त्योहार हैं जो क्षण भर के लिए आपके जीवन को धरती वाला अर्थ दे सकते हैं. Some can give permanent and eternal meaning to your life. और कुछ ऐसे जो स्थाई है जो सनातन का अर्थ आपके जीवन को दे सकते हैं. Amen. Amen. Now this is very important. अब ये जानना बेहद जरूरी है. Hear the word of God very carefully. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा. Don't neglect the word. वचन को अनदेखा न करिए. Because what is going to save you or bless you or help you or protect you is the word. क्योंकि कौन सी बात आपको आशीर्वादित करेगी, छुटकारा देगी, आपको सनातन का आनंद देगी, वो परमेश्वर का वचन है. Amen. Amen. Many times prayer will not help you. बहुत सी बार प्रार्थना से काम नहीं बनता. Crying will not help you. रोने से काम नहीं बनता. Sympathy from others will not help you. दूसरों की सहानुभूति से काम नहीं बनेगा. Remember this. ये बात याद रखिएगा. When I face Christians. क्योंकि जब मसीहों से बातें करता हूँ. And I have seen them suffering. और जब मैं उन्हें पीड़ित देखता हूँ. It didn't happen suddenly. तो ये घटना अचानक में नहीं हुई. They've been neglecting the word for long. और बहुत समय से वचन को टालते जा रहे थे. I'm not putting fear. मैं डर पैदा नहीं करना चाहता. But Holy Spirit told me. पर पवित्र आत्मा ने कहा. There's a righteous fear. कि एक धर्मी डर होता है. And there's negative kind of fear which is of the devil. और दूसरा नकारती तरह का डर होता है जो शैतान से आता है. Because people are mixed up both the fear. क्योंकि लोगों ने दोनों ही डरों को मिला के रख दिया. They say you must not fear. इसलिए लोग कहते हैं डरना बुरी बात है. But Holy Spirit told me. पर पवित्र आत्मा ने कहा. There's a negative kind of fear. कि एक नकारती तरह का डर होता है. I tell you don't fear. और वहाँ मैं कहता हूँ कि उस तरह का डर मत रखिए. And Jesus said fear not. जहाँ यीशु ने कहा भयभीत न हो. They took that word. तो उन्होंने वही शब्द को उठा लिया. Jesus said fear not. और देखो उन्होंने कहा कि यीशु खुद कहते हैं कि डरो मत. So we must not fear. इसलिए हमारे मन में बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए. All fear. तो उन्होंने सारे डर को उठा के निकाल दिया. That's why you must interpret the word properly. और यही कारण है वचन का सही अर्थ हमें समझना है. By the guidance of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा. There is a positive kind of fear. एक होकारती तरह का डर है. Which you must have. जो आपके मन में होना ही चाहिए. Amen. Amen. You come to the church. आप कलीसिया आते हैं. With that positive kind of fear. वो होकारते डर के साथ. Which keeps you in the right track. और जो आपको सही मार्ग में बनाए रखता है. Which keeps you being righteous. जो आपको धर्मी वाले मार्ग में बनाए रखता है. Which keeps you reading the Bible. जो आपको बाइबल पढ़ने लगाता है. Which makes you to pray. जो आपको प्रार्थना करने लगाता है. Amen. Amen. Which keeps you in faith. जो आपको विश्वास में बरकरार बनाए रखता है. You don't want to do those things which is of the devil. और जो बातें शैतान से उन बातों को हमें नहीं रखना है. That's the righteous kind of fear. और इस तरह का डर धर्मी तरह का डर होता है. The fear of God. जो परमेश्वर का भय होता है. Amen. Amen. So know all these things. These are facts. Very important. और इन सभी बातों को जानिए. ये सारी हकीकत है जो जानना बेहद जरूरी है. Like anger. जैसे गुस्सा. There's a righteous kind of anger. एक तरह का धर्मी गुस्सा होता है. There's a negative kind of anger. दूसरा नकारती तरह का गुस्सा होता है. The righteous kind of anger is when you see something wrong
You're angry. और जो धर्मी तरह का क्रोध होता है वो ऐसा होता है जहाँ आप गलत देखते हैं और आपके मन में गुस्सा आता है. The devil is misusing. क्योंकि शैतान गलत इस्तेमाल कर रहा है. Amen. Amen. That's the righteous kind of anger. वो एक धर्मी तरह का गुस्सा होता है. When Jesus chased all those people from the temple. जहाँ यीशु ने उन सभी कारोबार करने वाले लोगों को मंदिर में से निकाला. That's the righteous kind of anger. वो धर्मी तरह का गुस्सा था. Amen. Amen. Because the preachers mix up everything. पर प्रचारक लोग सारी बातों को मिलाकर रख देते हैं. That's why Christians are not living that victorious kind of life. और ये कारण है मसीह लोग वो जयवंत वाला जीवन नहीं जी रहे. It's not that we must properly interpret the word of God by the guidance of Holy Spirit that is in us, who is the teacher of the word. बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का सही तौर से विभाजन किया जाए पवित्र आत्मा के द्वारा जो कि शिक्षक है और हमारे मन में रहता है. So when I see the Christian suffering, तो जब मैं मसीहों को पीड़ित देखता हूँ, and they also have questions, और उनके भी मन में सवाल होते हैं, they come to me for prayer and they have this question, why am I suffering? अब वो मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ? Why am I sick? क्यों मैं बीमार हूँ? You know, this sickness doesn't begin at that time. आप जानते हैं वो बीमारी की शुरुआत तभी अचानक नहीं हुई. We neglect the word. हम वचन को टालते टालते जाते हैं. We don't give importance to the word. हम वचन को महत्व नहीं देते. And then at a certain time, और फिर एक खास समय के दौरान, slowly the devil has made an entry. और धीरे-धीरे शैतान ने प्रवेश द्वार खोल लिया है. And then he starts to manifest. और उसके बाद वो काम को प्रकट करना शुरू करता है. Amen. Amen. And some improve, some don't improve. कुछ लोग सुधरते हैं और कुछ लोग नहीं सुधरते. Yesterday I gave a wonderful message in Pune. और कल मैंने बहुत ही सुंदर संदेश पुणे में दिया. About healing. आरोग्य को लेकर. I showed different things about healing. आरोग्य के लेकर. Sickness and disease. और बीमारी को लेकर मैंने बहुत सी बातों का खुलासा किया. You must get that message. अच्छा होगा यदि आप वो संदेश लेके सुने. Don't neglect the word. तो वचन को मत टालिएगा. Even if prayer has to work, it has to be in line with God's word. यदि आप चाहते हैं कि प्रार्थना असर दिखाए, जरूरी है कि प्रार्थना वचन से मेल खाए. So, did you understand this? तो क्या आप ये बात समझ चुके हैं? बहुत सारे त्योहार हैं. Some have earthly meaning. कुछों का धरती से जुड़ा अर्थ है और कुछों का अर्थ स्वर्ग से जुड़ा है. Temporary, कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ सनातन के लिए है. You must know which festival to observe. और आपको पता होना चाहिए कि कौन से त्योहारों का पालन करना चाहिए. Which festivals is of no use. और कुछ ऐसे त्योहार हैं जो बेकार हैं. Earthly festivals are just temporary. जो धरती के त्योहार हैं वो थोड़े समय के लिए हैं. For this life, इस जीवन के लिए हैं. It may give you earthly meaning. हो सकता है धरती से जुड़ा कोई अर्थ वो आपको दे. But it won't do anything about heaven. पर स्वर्ग को लेकर ये आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं जोड़ेंगे. About your future, भविष्य को लेकर. About your eternal future, सनातन के भविष्य को लेकर. It can do nothing. ये त्योहार आपके जीवन में बिल्कुल अर्थ नहीं जोड़ेंगे. There are traditional festivals, पारंपरिक त्योहार आते and हैं. Christians are the first people to run for this. और मसीह लोग पहले लोग होते हैं जो ऐसे पारंपरिक त्योहारों को I'm मनाते not saying हैं. Don't go. मैं नहीं कहता कि इन्हें मत मनाइए. If it is naturally traditional, यदि वो नैसर्गिक तौर से पारंपरिक है. Okay, you attend, you don't attend. तो ठीक है आप उनको मनाए या ना मनाए. But if it has demonic significance, पर यदि उसमें दुरात्मा का प्रभाव है, then you must not attend. तो आपको उन त्योहारों को नहीं मनाना है. So, you know, separate all this properly. तो ठीक से इन बातों को अलग कीजिए. And the Christians are just living. अब मसीह जीने के लिए जी रहे हैं. You have to be living a Christian life as a born again Christian only. जरूरी है कि नया जन्म पाए मसीह के तौर पे ही आप ये नया जीवन जिएं. Amen. Amen. You must live only as a born again Christian. नया जीवन पाए मसीह के तौर पे ही आपको जीना है. Born again means born from above. अब नया जीवन का मतलब है ऊपर से पाया जीवन. Heavenly. स्वर्गीय जीवन. You are only permitted to live a heavenly Christian life. और आपसे कहा गया है कि सिर्फ स्वर्गीय मसीह जीवन आप जिए. Now, how did you become a child of God? अब कैसे आप परमेश्वर के संतान बने? So you must know these festivals. तो ये सारे त्योहार आपको पता होने चाहिए. And these are the festivals that give you eternal meaning. और ये कैसे पर्व है जो आपको सनातन का अर्थ देते हैं. So you must celebrate it. तो आपको इनका जश्न मनाना है. This happened for our sake. ये सारी घटनाएं हमारी खातिर हुई. For us. हमारे लिए हुई. That we may have the life of heaven. ताकि स्वर्ग का जीवन हमें मिले. That we may not go to hell. ताकि हम नर्क न जाएं. We will live a blessed life for eternity in heaven. ताकि सदा के लिए स्वर्ग में आशीर्वादित जीवन जी सके. It is connected to you personally. निजी तौर से ये त्योहार ये घटनाएं आपसे जुड़ी है. It has happened for your sake. ये घटनाएं सिर्फ आपकी खातिर हुई. Amen. Amen. How can you neglect these? फिर आप इन्हें कैसे अनदेखा कर सकते हैं? These festivals or feasts has happened for our sake. ये त्योहार ये पर्व हमारे लिए हुए. For you. आपके लिए हुए.
What about Good Friday? अब शुक्रवार के विषय में क्या? ईस्टर के विषय में क्या? What about this Palm Sunday? इस पाम संडे के विषय में क्या? All this happened for you. ये सारी घटनाएं आपके लिए हुई. And you want to disconnect yourself from the feasts and festivals? और ऐसे त्यौहार और ऐसे पर्व से आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं? The Lord was doing all this for you. ये सारी घटनाएं प्रभु आपके लिए झेल रहा था. Amen. Amen. How can you not attend? फिर आप इसमें कैसे हाजिर ना हो? How can you not participate? कैसे इसमें सहभागी ना हो? How can you not know? कैसे इनकी जानकारी ना रखें? These events that has happened for your eternal blessing. ऐसी घटनाएं जो आपके सनातन के आशीर्वादों के लिए हुई थी. Did you understand this? तो ये बातें आप समझ चुके हैं. There are many things I want to share. I don't know whether I'll have time or not. बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, पता नहीं समय की पाबंदी हो पाएगी या नहीं. There are some Christians. अब कुछ ऐसे मसीह हैं. Come on these festival days. जो इन सभी त्योहारों के दौरान आते हैं. Only on this festival. वो सिर्फ त्योहारों के दिन आते हैं. Let me tell them. मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, This is what Holy Spirit put in my mind. और ये बात पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली, If they really understood the meaning of these festivals, यदि इन पर्वों इन त्योहारों का सही में वो अर्थ समझते, They'll become faithful to the church. तो वो कलीसी के प्रति विश्वास योग्य हो जाते. They'll be faithful to the word. वो वचन के प्रति विश्वास योग्य हो जाते. They'll be faithful to ministry. वो सेवा के प्रति विश्वास योग्य हो जाते. They'll be faithful to praying. वो प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य हो जाते. Knew or had the insight of this festival. केवल यदि वो उन्होंने इन पर्वों की अंतर्दृष्टि या इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझा होता. Because they just enjoyed as a festival. क्योंकि त्योहार के रूप में केवल वो इसे मनाते हैं. Without the revelation. बगैर इसके प्रकाश को जाने. Or the insight of these feasts. या इन पर्वों की अंतर्दृष्टि में बगैर पहुँचे. They only come during the feast days. वो केवल इन त्योहारों के दौरान ही आते हैं. And that is one of the reasons. और ये एकमात्र कारण है. They are not blessed by this festival. वो इन त्योहारों की घटनाओं के द्वारा जो आशीर्वाद मिलना चाहिए उनसे आशीर्वादित नहीं हो पाते. Hello. Now this message was given by Holy Spirit. अब ये संदेश पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है. I have not yet started the message. अब तक तो मैंने संदेश शुरू ही नहीं किया है. The Holy Spirit shared yesterday night. जो कल की रात पवित्र आत्मा ने दिया. Which I'll give you some insights. जो आपको कुछ अंतर्दृष्टि देगा. Actually happened there. जो घटनाओं के दौरान सच में बातें हुई. And all the deep things or revelations. और वो गहरे प्रकाश की ओर आपको ले जाएगा. Now I'm saying all this because these are the basic things many Christians don't know. अब मैं इसलिए सारी बातें कह रहा हूँ क्योंकि ये बुनियादी जानकारी जो बहुत से मसीहों को नहीं है. Are so faithful to the traditional festivals. क्योंकि ऐसे बहुत से मसीह जो पारंपरिक त्योहारों से इतने जुड़े हैं, इतना विश्वास योग्य हैं. But not with the eternal festival. पर जहाँ सनातन के त्योहार आते हैं, वो बातें उनके जीवन में महत्व नहीं रखती. That's why you're not benefiting. और ये कारण है आप उनका लाभ नहीं उठा पाते. The festivals are for your benefit. ये त्योहार आपके लाभ के लिए है. Heavenly benefit. स्वर्गीय फायदे के लिए है. Eternal benefit. सनातन के फायदे के लिए है. Amen. Amen. Be connected to these festivals. इन सभी त्योहारों से नाता जोड़े रखिए. Because there's a blessing. क्योंकि इनमें आशीर्वाद है. Amen. Amen. Everything that Jesus did is for us. हर घटना जो यीशु ने की वो हमारे लिए थी. Everything. सब कुछ. Nothing for himself. उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया. Everything according to our Father's plan. और सारी बातें पिता की योजना अनुसार की. Because our Father loved us so much. क्योंकि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया. That He wanted us to be blessed. कि वो चाहता था कि हम आशीर्वादित हों. In this life. इस जीवन में. And that life. और उस आने वाले जीवन में. Amen. Amen. Based on our Father's plan. पिता की योजना के अनुसार. Of blessing. आशीर्वाद की योजना के अनुसार. Lavishly. आलीशान तौर से. He made a plan. उसने एक योजना बनाई. With Jesus, ईशु के साथ मिलकर, as the center, और उसने ईशु को मुख्य केंद्र रखा. Amen. Amen. The entire plan of blessing. संपूर्ण आशीर्वाद की योजना. Imagine who God is. कल्पना कीजिए परमेश्वर कौन है. Who is God? परमेश्वर कौन है? He's not a small person. वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं. Yesterday I was driving. और कल मैं गाड़ी चला रहा था. I was telling my wife. मैं अपनी पत्नी से कह रहा था. Many people have not understood who this God is. बहुत से लोग अब तक नहीं समझ पाए कि परमेश्वर कौन है. Because he's so humble. क्योंकि वो इतना नम्र है. He never shows up. वो अपने आप का कभी दिखावा नहीं करता. So he's so big. कि देखो मैं कितना महान हूँ. You know this earth. आप जानते हैं धरती. Is just A sand in many oceans. और बहुत सारे नदियों के किनारे की रेत की केवल एक कण है ये धरती, सिर्फ एक कण. Oceans के अंदर जो रेगा पत्थर एक ऐसा है, Earth. He has a vast universe. और उसने एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांड बनाया है. Many planets. उसमें बहुत सारे ग्रह है. This is just a small, tiny one, like a speck of sand on this earth. और ये जो धरती वो छोटा सा एक कण है, मानो पृथ्वी की धूल है छोटी सी. Amen. Amen. And the devil thought this is mine. और शैतान ने सोचा ये मेरा है.
You have not yet seen what our father can create. Tumhara pita kya kuch nirman kar sakta hai wo ab tak aapne socha bhi nahi. Amen. Amen. Ye chota sa dharti pe aisa planet prabhu millions bana sakta. He's such a great God. Wo itna mahan ishwar hai. And that to Satan temporarily is here, temporarily. Aur wo bhi shaitan thode samay ke liye yahan par hai. Amen. Amen. Temporarily. Thode samay ke liye. What a great God we have. To hamara kitna mahan ishwar hai. He is not permitted anywhere else. Aur usko kahin aur anumati nahi hai jane ki. Only here. Wo sirf yahi reh sakta hai. And after this he is going to be thrown in the lake of fire for eternity. Aur iske baad wo agni ke sarovar mein sada ke liye fenka jane wala hai. Amen. Amen. Because he wanted to become God. Kyunki wo khud ishwar banna chahta tha. Leaving aside that. Ye baatein chhod kar. I just wanted to show how God, great our God is. Main sirf batana chahta tha ki hamara parmeshwar kitna mahan hai. So all this in that I was saying that Jesus came as a package of the blessing which our father wanted to usher upon us. Aur hamara pita jo aashirwad hum pe niyochhavar karna chahta tha wo सभी आशीर्वादों का गुलदस्ता बनकर यीशु आए। Our father's blessing, हमारे पिता के आशीर्वादों की कल्पना कीजिए। आलिशान तौर से। The one who can make millions of planets, वो जो अरबों और लाखों ऐसे पृथ्वी ग्रह बना सकता है। What blessing he can give you, तो कैसे आशीर्वाद वो आपको दे सकता है? In his mind, उसके मन में Great plans, महान योजनाएं हैं। How you can live, कि आप कैसे जी सकते हैं आनंदित तौर से सनातन के लिए। Amen. Amen. Sickness, disease, curse, death. बगैर बीमारी रोग श्राप मृत्यु के. Amen. Amen. And based on that plan. और उस योजना के आधार पे. Our Father sent Jesus. हमारे पिता ने यीशु को भेजा. You have to fulfill the total plan. और प्रभु यीशु से कहा गया कि तुझे वो योजना परिपूर्ण करनी है. You should fit in the exact plan. और पिता की उस योजना में हूबहू तुझे बैठना है. You cannot live even a second for yourself. पल भर के लिए भी तू खुद के लिए नहीं जी सकता. Whether you like it or you don't like it, चाहे तुझे पसंद हो या ना पसंद हो, you have to live based on my will. और मेरी इच्छा अनुसार ही तुझे जीना है. That's why Jesus would always look at the will of our Father. इसलिए प्रभु यीशु हमेशा पिता की इच्छा की ओर देखा करते. Because he didn't want to break the plan. क्योंकि वो उस योजना को पूरा करना चाहते थे. Because if he broke it, यदि उन्होंने वो योजना तोड़ दी, we wouldn't be blessed. तो आप आशीर्वादित ना हो पाते. Amen. Amen. Everything he did exactly according to the time of our father. और हर काम जो उन्होंने किया वो पिता के समय और पिता की योजना के अनुसार किया. He was checking himself whether he was in the right time. वो हमेशा अपने आप को जांचते कि क्या मैं पिता की सही योजना में हूँ या नहीं. Only when you go to heaven. केवल जब हम स्वर्ग जाएंगे. You'll know from Jesus. तो हम खुद यीशु से जानेंगे. How he lived that life. कि कैसे वो ये जीवन जिए. Amen. Amen. He was checking at the timeline of our father. वो पिता के समय तालिका के अनुसार काम कर रहे थे. That's what many times he said. इसलिए कई बार उन्होंने कहा. My time is not come. कि मेरा समय नहीं आया है. He knew the time. तो वो समय को जानते थे. Amen. Amen. What a life Jesus lived. तो कैसा जीवन प्रभु यीशु ने जिया? So when he finished it. तो जब उन्होंने अपने कार्य को समाप्त किया, the entire plan of our father, पिता के संपूर्ण योजना को पूरा किया, is fulfilled. तो उसने कहा कार्य समाप्त हुआ. It is finished, he said. कार्य समाप्त हुआ. Father, it is finished. पिता कार्य समाप्त हुआ. I've done it. मैंने वो पूरा कर दिखाया. That was a shout of victory. और ये कारण वो विजय की ललकार थी. Amen. Amen. Because it was the greatest job. क्योंकि सबसे बड़ा कार्य था. And we are just receiving it freely. और हमें इसका लाभ मुफ्त में मिल रहा है. उसको भी हम लोग सीरियसली नहीं लेते. चर्च को आएंगे नहीं आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक को दूसरे को गिराने का, तीसरे को गिराने का काम नहीं करने का. Look at our seriousness. तो देखिए हमारी गंभीरता को. Look at the seriousness of Jesus. पर प्रभु यीशु की गंभीरता को देखिए. He lived that life for us. उसने वो जीवन हमारे लिए जिया. But look at us. पर हमें देखिए. Amen. Amen. I understand you. तो क्या आप समझ रहे हैं? So don't neglect the word. तो वचन को मत टालिए. God sent His word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, लोगों को आरोग्य मिला. He sends healing through His word. वो अपने वचन के द्वारा आरोग्य देता है. इसका मतलब क्या है? Healing comes with the word knowledge. कि वचन की जानकारी से आरोग्य मिलता है. If you don't have word knowledge, यदि वचन की जानकारी आपको नहीं है, no healing. तो आपको आरोग्य नहीं मिल सकता. Amen. Amen. It means you can live
in divine health. Iska matlab hai aap divya sehat ka anand utha sakte hain. Always. Hamesha. Amen. Amen. It's not becoming sick. All right. ऐसा नहीं कि बीमार पड़ते हैं फिर अच्छे होते फिर बीमार पड़ते फिर अच्छे होते हैं। प्रभु का इच्छा है ये जो वचन पे निग्लेक्ट करते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वो बीमार होते ठीक हो जाएंगे बीमार होंगे ठीक होंगे बीमार ऐसा कभी कभी बीमार होंगे ठीक भी नहीं होंगे ये दिस इज नॉट क्रिश्चियन लाइफ तो ये मसीह जीवन नहीं है आई नो मेनी पीपल मे नॉट लाइक इट मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा आई सी क्रिश्चियन सफरिंग क्योंकि मैं देखता हूँ कि मसीह लोग कितना दुखी हैं और यदि मैं कह दूँ सीधे तो उन्हें बुरा लगेगा So I don't tell. इसलिए मैं नहीं बोलता. Okay. Now let us see about this Palm Sunday. तो आइए हम इस खजूर के रविवार के विषय में. So did you understand about festivals? तो आपने त्योहारों को देखा? Don't give so much importance for traditional festivals. पारंपरिक त्योहारों को इतना महत्व न दीजिए. I'm not saying don't attend at all. मैं नहीं कह रही कि उनका पालन मत करो. If it has no demonic significance, यदि उनमें कोई भी शैतानी अर्थ नहीं है, you can do it. तो आप उन्हें मना सकते हैं. But if there is some attachment with the devil, पर यदि उनका लेना देना शैतानी प्रभाव से है तो मत उनका पालन करें। Because you're believing in the things of the devil. नहीं तो आप शैतान की बातों पे विश्वास करने लगेंगे। And you open the door. और आप उसके लिए दरवाजा खोल देंगे। Because I've heard. क्योंकि मैंने सुना है। That Christians are also celebrating festivals that have significance with the devil. कि मसीह लोग भी ऐसे त्योहारों को मनाते हैं जो शैतान से लेना देना रखते हैं। I don't mind you celebrate tradition that has traditional meaning. यदि आप ऐसी परंपराओं को निभाते हैं जो सिर्फ परंपराओं से जुड़ी है तो मैं कहता हूँ चलेगा. But if you give priority to that more than the priority of the festivals of the Bible, then you're wrong. पर यदि आप बाइबल में जो लिखे गए त्यौहार हैं उनसे बढ़कर उन त्यौहारों को महत्व देते हैं तो ये बात गलत है. Amen. Amen. These are the events for your sake. ये घटनाएं आपके लिए हुई. Amen. Amen. And secondly, only coming for the events. और सिर्फ यदि इन्हीं त्योहारों में आप आते हैं. Because some people have thought. कि कुछ लोगों ने सोचा है. आज Palm Sunday आज चर्च जाने पड़ेगा. आज Easter है जाने पड़ेगा. New Year है जाने पड़ेगा. See. It's a tradition. तो वो सिर्फ परंपरा के तौर पे आते हैं. So they come only on these feast days. तो वो केवल इन पर्वों के दौरान आते हैं. And the devil has so deceived them. और शैतान ने उन्हें धोखे में रखा है. They think they are blessed because they are attending meetings on the festival days. तो उन्हें लगता है क्योंकि हम इन त्योहारों के दिन चर्च आ रहे हैं इसलिए हम आशीर्वादित होते हैं. Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने कहा. If they really knew the significance of these festivals. यदि वो सच में इन सभी त्योहारों के अर्थ को समझते. It would renew their mind. तो ये बात उनकी सोच को नया बनाती. And they'd be regular and faithful. और वो लगातार ईमानदारी से चर्च को आते. Amen. Amen. If I don't tell you this. यदि मैं ये बात आपको ना बताऊं. You live in deception all your life. तो आप जीवन भर धोखे में ही रहेंगे. Someone has to be in bad books. जरूरी है कोई ना कोई तो बुरी नजरों में आए. Amen. Amen. अगर सब लोग सोचते रहेगा मैं अच्छा किताब में होना चाहिए नजर में अच्छा होना चाहिए फिर मैसेज नहीं मिलेगा तुमको. Isn't it? Our standing is before God. तो हमारा ठहरना परमेश्वर के आगे है. That should always be in our mind. और ये बात हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए. To please people, that is what Apostle Paul says. तो पौलुस ने जिस तरह कहा हम लोगों को यहाँ खुश करने के लिए नहीं है. Let us go into this Palm Sunday. आइए कि पाम संडे के विषय में देखें. Some Christians consider is a tradition. अब कुछ मसीहों को लगता है ये एक परंपरा है. But the original intent was to help worshippers to not forget the main events in this earthly life of Christ our Lord. पर मुख्य मकसद यही था कि जो आराधना करने वाले हैं उन्हें ये बात समझ में आए कि वो मसीह की आराधना न छोड़ें इन घटनाओं को जानकर. Now these are the points given by Holy Spirit. That is what I'm saying. अब ये मुद्दे हैं जो पवित्र आत्मा ने दिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ. उदाहरण के तौर पे. One reason for worshiping on the first day of the week, that is Sunday. और रविवार के पहले दिन पर हम आराधना करते हैं इसके पीछे का एक कारण ये है. Is to always remember. ताकि हम हमेशा याद रखें. The resurrection of Christ our Lord. मसीह हमारे प्रभु यीशु के जी उठने को याद रखें. Amen. Amen. You know when you come on Sunday. जब आप रविवार को आते हैं. You come with this understanding. आप इस समझ के साथ आते हैं. Jesus rose up on Sunday. कि इसी रविवार को एक समय प्रभु यीशु जी उठे थे. Amen. Amen. So you're getting a spiritual meaning. तो देखिए इसका आत्मिक अर्थ आप समझते हैं. And it blesses you. और ये बात आपको आशीर्वादित करती है. You open your heart to these festivals. And you receive the blessing of this festival. इन त्योहारों के लिए आप अपने मन को खोलते हैं और इन त्योहारों के आशीर्वाद आपको मिलते हैं. You know, some may be asking, what is this traditional festivals pastor is talking about? आप कुछ लोग सोचते होंगे जो पारंपरिक त्योहारों की चर्चा पास्टर कर रहे हैं वो कौन से हैं? ना बहुत है तुम लोग को भी मालूम है. But some people put it above the word. पर कुछ लोग वचन से बढ़कर उन्हें स्थान देते हैं. If I tell you, यदि मैं खुलकर बोलूं तो बुरा लग जाएगा. पास्टर मेरे बारे में बोलता है.
उसने बोला अच्छा है, नहीं बोला तो समझ में नहीं आएगा, बोला तो तुमको गुस्सा आएगा. सो व्हाट आई शुड डू, बी बैलेंस्ड, संतुलित रहे. सो इफ यू आर सफरिंग फॉर एनी रीजन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट नॉलेज. इसलिए आप जीवन में यदि दुख भोग रहे हैं तो इसके पीछे परमेश्वर नहीं है, प्रवचन के ज्ञान की कमतरता है आपके अंदर. एंड हियर द मैसेज यस्टरडे आई गिव, और जो कल मैंने पुणे में संदेश सुनाया, बीमारी और रोगों को लेकर जरूर सुनिएगा. आई नो बिकॉज so many Christians come क्योंकि बहुत से मसीह बीमार है और ऊपर प्रार्थना कराने आते हैं, और जिस तरह से वो दुख भोग रहे हैं, I feel so bad. मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे तरस आता है. Okay. In many areas of the family life, married life, children life, they're suffering. अब बहुत से लोगों का शादीशुदा जीवन है, परिवार है, बच्चे हैं. So, the main thing is that we must not forget the main events in the life of Christ alone. मसीह हमारे प्रभु के जीवन में बहुत सारी मुख्य घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हमें हमेशा याद रखना है. And enjoy and celebrate with the right meaning what happened. सही अर्थ जानकर जो घटनाएं हुई उसके अर्थ को समझना है और उसका फायदा उठाना है. There are some Christians. अब कुछ ऐसे मसीह हैं who do not observe any of this event. जो इन में से किसी घटना का पालन नहीं करते. Why? क्यों? Only for one reason. सिर्फ एक कारण के लिए. The Bible doesn't mention the date. क्योंकि वो कहते हैं कि बाइबल इसकी तारीख नहीं कहती. अरे बाबा, डेट मेंशन नहीं किया, इवेंट तो हुआ ना. यदि तारीख नहीं लिखी है पर घटना तो हुई थी ना. Amen. Amen. Is date important or event important? अब तारीख जरूरी है या घटना जरूरी है? Some Christians say Christmas, no, I will not celebrate. Where it is given? अब कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाऊंगा क्योंकि क्रिसमस कब हुआ है ये तो नहीं लिखा है बाइबल में. अरे it has happened. पर ये घटना तो हुई थी. And I told you. और मैंने आपसे कहा. All this happened for you. ये सारी बातें आपके लिए and हुई. For me. मेरे लिए हुई. Not for Jesus. यीशु के लिए नहीं. Amen. Amen. बहुत सारा फेस्टिवल्स वो आदमी को पोर्ट्रे करता है, दूसरे को आशीर्वाद नहीं मिलता है. There are festivals. तो ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं. मनुष्य जात को कुछ भी फायदा नहीं होता है, but they enjoy it. फिर भी वो उसे मनाते हैं. Some are temporary. अब कुछ लोग थोड़े समय के लिए सिर्फ धरती के लिए त्योहार हैं. It will not take them to heaven. ये बातें उन्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी. It will not give them salvation. इससे उनका उद्धार नहीं होगा. It will not give them healing. इससे उन्हें आरोग्य नहीं मिलेगा. It will not give them blessing. इससे उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा. It will not give them deliverance. इससे उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा. It will not give them peace. इससे उन्हें शांति नहीं मिलेगी. Hello. Yet people are celebrating. फिर भी वो इन त्योहारों को मनाते हैं. No, if I say, people will get angry on me. यदि मैं बताऊं कौन से त्योहार है तो लोग मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे. But this is the truth. पर सच्चाई तो यही है. Christians are so immature. तो मसीह लोग इतने बचकाने हैं. Instead of celebrating the true events, कि सच्ची घटनाओं को मनाने के बजाय, which will change or has changed your life, जिससे आपका जीवन बदल चुका है या बदलेगा, which is the reason for you going to heaven, और जो कारण है जिसके तहत आप स्वर्ग जा रहे हैं, and not going to hell, और नर्क नहीं जा रहे, you must take it seriously. तो ऐसी घटनाओं को आपको गंभीर तौर से लेना है. If you only knew how serious Jesus was in his commission, यदि आप केवल यही जानते कि प्रभु यीशु अपने कार्य में कितने गंभीर थे, from the time he came, जिस समय से वो आए, till he left, जब तक वो चले ना गए, he took it so seriously. उन्होंने इन बातों को बहुत गंभीरता से लिया. He never did anything that would satisfy himself. उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो अपने आप को संतुष्ट कर सके. If it went against God's will, वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कभी ना गए. Amen. Amen. बहुत बार वो चाहता था कि चलो रेस्ट ले, मगर नहीं, अच्छा जाने का. बहुत बार सोचा था ऐसा करने को, ऐसा नहीं, 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 नहीं. I have to be in the plan of a father. पिता की योजना में मुझे बने रहना है. Because the father loves mankind so much. क्योंकि परमेश्वर इतना मानव जाति से प्रीति करता है. I cannot break his plan. मैं उसकी योजना को तोड़ नहीं सकता. I cannot bring them to our father. नहीं तो वो योजना मैं पिता की ओर नहीं ले पाऊंगा. So I told you. इसलिए मैंने आपसे कहा. The greatest joy of Jesus is. कि प्रभु यीशु का सबसे बड़ा आनंद ये है. When you go to heaven. जब आप स्वर्ग जाएंगे. Our father will be seated there. तो पिता वहाँ बैठा होगा. सिंहासन पे बैठा होगा. In all his glory. अपने महिमा और प्रताप के साथ. And Jesus will take you to the father. और फिर यीशु आपको पिता के पास ले जाएगा. Amen. Amen. And father will embrace you. और पिता आपको गले लगाएगा. Then you will know. तब आप जानेंगे. There's Jesus. कि सिर्फ यीशु के कारण है. Because of him. सिर्फ यीशु के कारण. And that's the joy of Jesus. और यही प्रभु यीशु को खुशी देती है बात. I brought this child. कि देखो मैं आपके इस बच्चे को घर ले आया कि जिसे तू प्रीति करता है. You didn't want to miss him. जिसे तू खोना नहीं चाहता था. I brought him. और देखो मैं तेरे वही बच्चे को घर ले आया. Amen. Amen. If you only knew this revelations and insights. यदि आप इन अंतर्दृष्टि और प्रकाश को समझ पाते. You'll be a different person. तो आप बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाते. Okay.
So some Christians don't celebrate. तो कुछ ऐसे मसीह जो इन त्योहारों को नहीं मनाते, पर ये गलत है. Event is important. घटनाएं महत्वपूर्ण हैं. And let me tell you. और कहना चाहूँगा. Our Father can redeem any time or any date for His purpose. कि पिता अपने मकसद को पूरा करने के लिए कभी भी कोई भी काम कर सकता है. He has created time. उसने समय को बनाया है. He can redeem time. वो समय को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है. He is outside time. वो समय के बाहर है. Time is not the factor for heaven. और स्वर्ग में समय की मर्यादा नहीं है. It is not the most important. और ना ही समय इतना महत्वपूर्ण है. Time is important only on this earth. समय का चलन सिर्फ धरती तक है. There is no factor of time in heaven. स्वर्ग में किसी तरह के समय की मर्यादा नहीं है. पर कुछ ऐसे मसीह हैं basing the belief on time, जो समय पर विश्वास करते हुए celebrate the eternal events, सनातन की घटनाओं को नहीं मनाते, which are significance for their life, जिनका महत्व उनके जीवन से जुड़ा है, आपके लिए और सदा के लिए. Amen. Amen. Hello, did you understand this? तो क्या इन बातों को आप समझ रहे हैं? Because you know, questions will come, so you need to answer. तो सवाल तो लोग पूछेंगे, आपको जवाब देना आना चाहिए. Don't live based on wrong information. और गलत जानकारी पे मत कहिएगा. Live based on the right information. सही जानकारी पे जीवन बिताएं. Amen. Amen. Okay. Palm Sunday is the Sunday before Easter. तो जो खजूर हिलाने वाला रविवार था, वो ईस्टर से पहला वाला रविवार है. Telling you the oh. First, I'm telling you what is this Palm Sunday. पहले बताना चाहूँगा Palm Sunday क्या है. Then I want to give you insights about this event. और फिर इस घटना के अंतर्दृष्टि आपको दूँगा. Sometimes we don't have much time. कभी-कभी समय कम पड़ जाता है. Okay, it's the beginning. It's a Sunday before Easter. तो ईस्टर से पहले का ये रविवार है. And it begins the Holy Week. और ये पवित्र सप्ताह की शुरुआत करता है. This week ends up to the leading. Of Jesus' death and resurrection. और इस सप्ताह का अंत होता है प्रभु यीशु के मृत्यु और जी उठने के साथ. So this week was the finality. तो ये जो सप्ताह था वो अंतिम सप्ताह था. Most important. बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह था. You must know what happened during this week. और आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह के दौरान क्या हुआ. Because the Lord already knew it. क्योंकि प्रभु पहले से ही जानते थे. He was prepared. वो तैयार थे. For this last week. इस अंतिम सप्ताह के लिए. अपने जीवन के अंतिम सप्ताह के लिए धरती पर. And in that last week of life. और उसके जीवन के इस अंतिम सप्ताह में. He suffered the most. उसने सबसे ज्यादा दुख उठाया. He cried the most. उसे सबसे ज्यादा आंसू बहाए. I will show you. मैं आपको बताऊंगा. The Spirit showed me this. पवित्र आत्मा ने बताया. This is the time Jesus wept the most. कि ये सप्ताह के दौरान प्रभु यीशु सबसे ज्यादा रोए. Amen. Amen. He grieved the most. सबसे ज्यादा शोकित हुए. And there's a reason. और इसके पीछे कारण है. Because he saw that this is the last week I have. क्योंकि वो जानते थे ये अंतिम सप्ताह मेरे पास है. There are people who would not believe. फिर भी लोग अब तक मुझ पे विश्वास नहीं करने को तैयार हैं. He knew. वो जानते थे. Once I finish. एक बार मैं समाप्त कर लूँ. Now it is upon them to believe. अब उन पे उनके हवाले है कि उन्हें विश्वास करना या नहीं. Everything for them. मैंने उनके लिए सब कुछ कर दिया है. And now I'll be leaving. और अब मैं चला जाऊँगा. I won't be there personally मैं with them. निजी तौर से इनके साथ ना रहूँगा. Though when they believe, Holy Spirit will be with them and in them. इसके बावजूद जब वो विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर उन्हें चलाएगा. But this is the last time. पर ये आखिरी बार है. I ministered to them. मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ. I showed miracles. मैंने चमत्कार दिखाए. I prayed for them. मैंने उनके लिए प्रार्थना की. I helped them. मैंने उनकी मदद की. And now last week. अब ये आखिरी सप्ताह है. And still he saw the attitude was the same. फिर भी उसने देखा कि उनका स्वभाव पहले जैसा था. He knew these same people were praising him. वो ये भी जानते थे यही लोग जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वही चिल्लाकर कहेंगे इसे क्रूस पे चढ़ाओ क्रूस पे. इसका मतलब है उनका स्वभाव बिल्कुल बदला न था. Amen. Amen. That's why he cried so much. इसलिए प्रभु यीशु बहुत रोए. Because he saw. क्योंकि उन्होंने देखा. After 70 years, it will be destroyed. कि थोड़े समय के बाद पूरा यरूशलम बर्बाद होगा. He saw it. उसने देखा था. He did everything. उसे सब कुछ किया. Now they have to believe. अब जरूरी था कि वो विश्वास करें. We are in the same situation. हम भी वही हालत में हैं. He finished his work. यीशु ने कार्य समाप्त किया है. Now we have to believe. अब हमें विश्वास करना है. He cannot help you. अब वो आपकी मदद नहीं कर सकता. अब आपका उद्धार नहीं कर सकता. उसे सब कुछ कर दिया है. Now we have to believe. अब हमें विश्वास करना है. Amen. Amen. You cannot tell him to do this, do that. हम नहीं कह सकते प्रभु हमारे लिए ये कर वो कर. It's not based on you that he's doing. ये आपके काम के आधार पे नहीं वो कर रहा Or है. He did. या उसने किया. He did before we were born. आपके जन्म लेने से पहले उसने एक कार्य समाप्त किया. Amen. You have to believe. अब आपको विश्वास करना है. Believing comes by the knowledge of God's word. और विश्वास वचन के सही जानकारी से आता है. That's why that Gethsemane happened. और यही कारण है वो गतसमनी वाली घटना हुई. So much. और इतना ज़्यादा वो रोए. So this last week, we must
get revelation from Holy Spirit. तो ये अंतिम सप्ताह का प्रकाश हमें पवित्र आत्मा से लेना ही है. You know why that blood came out? आप जानते हैं कि पसीने के तौर पे क्यों लहू टपका? Holy Spirit told me that the grief was so much. और पवित्र आत्मा ने बताया कि वो शोक इतना भारी था. That blood came out. कि वो पसीने के जगह लहू टपका. He cried and prayed so bitterly. वो इतना फूट फूट के दिल से रोए. Because इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता. You know, one thing I want to tell you. एक बात कहना चाहूँगा. Though some people may not believe this. इसके बावजूद कि कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे. You know, the rapture is going to happen. आप जानते कि स्वर्ग रोहण होगा. How many want to be stay back? अब कितने ऐसे जो पीछे रहने वाले हैं? थोड़े लोग पीछे रहना चाहिए. क्यों? Because tribulation के time पे believer चाहिए ना message देने के लिए. Isn't it? Hello? तो विश्वासी yes. लोग चाहिए ना पीछे. अरे विश्वासी नहीं रहेगा तो फिर उनका उद्धार कैसा होगा? पीछे रहेंगे उनका उद्धार कैसे तो होगा? कितने लोगों को पीछे रहने का है? किसको नहीं रहने का? अरे हाँ मालूम है ट्रिबुलेशन में बहुत सारा संकट होने वाला है, तकलीफ होने वाला है, खत्म करने वाला डेवल दैट इज देयर. तो हाँ उस समय बहुत. But I only want to be there that time. पर कितने लोग उस महासंकट काल में रहना चाहेंगे? Okay, let me give you one nice revelation. अब आइए इसके पीछे का एक अच्छा प्रकाश आपको दूँ. So if you're not working now, यदि आप अभी काम नहीं कर रहे, then God will say, oh, he didn't work out. अच्छा, ठीक है. Why that person should lose his rewards? I'll keep him back so that at least that time he will work and he'll get rewards in heaven. तो परमेश्वर कहेगा कि देखो ये व्यक्ति अभी काम तो नहीं कर रहा पर बेचारा बगैर इनाम के स्वर्ग में क्यों रहे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ महासंकट काल के दौरान यही उसे छोड़ देता हूँ, थोड़ा काम करेगा तो ऊपर जाके उसे थोड़ा इनाम तो मिलेगा. This is temporary. क्योंकि ये तो थोड़े समय के लिए है. जो जीवन बॉडी में होता है टेम्पररी. जो शरीर में हो रहा है वो थोड़े समय के लिए. Lose the reward. आप क्यों अपना इनाम खोए? So those are wasting their time today. तो जो आज अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं. What if God thinks मेरा बच्चे का reward जाएगा स्वर्ग में नहीं मिलेगा? So it is better that I leave him during the tribulation time. तो अच्छा so at least he'll wake up and work for the Lord. तो अच्छा होगा कि मैं महासंकट काल के दौरान उसे धरती पे ही छोड़ दूँ ताकि उसकी आंखें खुले और कम से कम प्रभु के लिए काम करके इनाम तो पाए. तो आपके पास दो विकल्प है. Hello, you have two options. दो चुनाव है. One. पहला चुनाव. You work for the Lord before the tribulation. कि महासंकट काल आने से पहले प्रभु के लिए काम करिए. And finish it. और उसे खत्म करिए. So when the Lord comes, you go home. ताकि जब प्रभु लेने आए तो प्रभु के साथ आप चले जाएं. Option. अब दूसरा चुनाव है. Enjoy your life. अपना जीवन भरपूर आनंद लाइए. प्रभु के लिए बिल्कुल काम मत करिए. Time pass करो. And when the rapture happens. और जब स्वर्ग रोहण हो. Automatically you'll start to work. अपने आप काम करना शुरू करेंगे. Because the devil will not spare you. क्योंकि शैतान आपको छोड़ेगा नहीं. So I leave these two options. Before I close the message. तो संदेश खत्म करने से पहले दो चुनाव मैं आपके हवाले करता हूँ. Hello, all Christians. सारे मसीह लोग. You have two options. आप लोगों के पास दो चुनाव हैं. Waste your time now. या तो अपने समय को अभी बर्बाद करिए, बिल्कुल काम मत करिए. But God loves you so much. पर परमेश्वर आपसे इतना प्रीति करता है. He doesn't want you to lose the reward. कि वो नहीं चाहता आप इनाम खो दें. It's eternal. जो कि सनातन के लिए. So he may keep you back in the tribulation. इसलिए वो उस महासंकट काल में आपको धरती पे ही रखेगा. And in the tribulation you work. और फिर संकट काल के दौरान आप काम करेंगे. Because God needs some saints in tribulation. क्योंकि संकट काल के दौरान परमेश्वर कुछ संतों की मदद चाहता है. And after you're martyred, you can go home and enjoy the reward. और आपके मर जाने शहीद होने के बाद आप स्वर्ग जाकर इनाम का आनंद उठा सकते हैं. The option is. या फिर चुनाव है. दूसरा भी चुनाव है. Now. कि अभी कड़ी मेहनत करें. And when the Lord comes. और जब प्रभु आए. Welcome home. तो प्रभु कहेगा स्वागत है मेरे बच्चे घर आ. बस समाप्त हुए काम. Enjoy in heaven. तो स्वर्ग में आनंद उठाइए. With these two options. I'll leave it to you. तो ये दोनों चुनाव आपके हवाले करता हूँ. आप खुद निर्णय लीजिए. I don't know whether you have heard or not. आप पता नहीं आपने ठीक से सुना या नहीं. Some people during this nice revelation, they'll talk here and there. क्योंकि जहाँ मैं अच्छा प्रकाश देता हूँ तो लोग एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं. क्यों? ताकि प्रभु बोलने मैंने नहीं सुना. तुम सुना नहीं तो होली स्पिरिट है, तुम होली स्पिरिट को पूछ सकता था. या पास्टर जो बोल रहा है होली स्पिरिट के द्वारा वो सुन सकता. दो ऑप्शन है तुम्हारा. Praise the Lord. Okay, we didn't start it. तो हमने तो संदेश शुरू ही नहीं किया. But this happens only once in a year. बस साल में एक ही बार ये घटना होती है. तो ये मैसेज, I remember last year also I said the same thing, but I couldn't give. और पिछले हफ्ते भी, पिछले साल भी मुझे याद है ये संदेश मैंने शुरू किया था पर दे नहीं पाया था. Okay, we will see some other time as the Lord leads. तो जैसे प्रभु चलाएगा कोई और दिन ये घटना देखेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे.
करेंगे करेंगे hallelujah 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 stand up aaiye sab thehrenge you know one thing we must know ek baat jo hame jani hai jo bahut mahatvapurn hai everything that you do in this natural life ki jo kuch aap is naisargik jeevan mein karte hain has only a natural meaning uska sirf naisargik arth hi hai which means temporary meaning to your life iska matlab hai wo aapke jeevan mein thoda artha de sakta hai amen kuch samay ke liye know this well ye bhali baat hi janiye jo bhi hum idhar duniya ka cheez karte hain usme fayda hai but temporary fayda hai thode samay ke liye fayda hai earthly fayda hai dharti tak ki fayda hai main deny nahi karta hu main inkar nahi karta ki inse fayda nahi hai you have meaning to this earthly life earthly living dharti ke jeene dharti ka sukh vilas thoda aapko de sakte hai धरती के आशीर्वाद आपको And दे सकती है। Every earthly blessing is temporary. और जो धरती के आशीर्वाद है वो हर आशीर्वाद थोड़े It समय के लिए। It does not add any spiritual meaning to your spirit life. और आपके आत्मिक जीवन को कोई ये धरती के आशीर्वाद मूल्य नहीं देते कीमत नहीं देते Keeping this as the focus. और ये बात ध्यान में रखते हुए Live this life. इस धरती वाले जीवन को जिए हेलो सुन रहे हो Others will be wasting your life. नहीं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होंगे ये भली भांति जानिए Others will be running after the temporary things only. नहीं तो धरती के नाशवान चीजों के पीछे आप भागते नजर आएंगे And one day you have to leave all this temporary और एक दिन ये सारी बातें आपको छोड़ के जाना होगा This is the knowledge you must have. तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए Anything of this world. इस धरती का कोई भी चीज हो You run after. आप जिसके पीछे भागते हैं Can give you temporary, earthly, fleshly meaning. थोड़े समय के लिए धरती का शारीरिक आशीर्वाद या अर्थ आपको दे सकते हैं इट विल नॉट ऐड एनी स्पिरिचुअल इटर्नल हेवनली मीनिंग पर सनातन के लिए स्वर्गीय या आत्मिक अर्थ आपके जीवन को ये बातें नहीं देगी बेस्ड ऑन दिस नॉलेज तो इस जानकारी के आधार पे यू लिव योर लाइफ आप अपना जीवन को जिए गॉड विल नॉट फोर्स परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा डू यू अंडरस्टैंड क्या आप ये समझ चुके हैं okay. Let's pray. तो आइए Father, we thank you for all this you have given. पिता जी किसी ने दिया सभी के धन्यवाद देते And हैं. And they are giving. और जो दे रहे हैं. They are blessed. ये सभी लोग आशीर्वादित हैं. Because they are showing their trust in God more than money. क्योंकि पैसे से ज़्यादा वो अपना भरोसा प्रभु पे दिखा रहे हैं. As the world trusts in money. जैसे दुनिया पैसे पे भरोसा रखती है. Born again Christians are saying we trust in God. तो नया जन पाए मसीह कहते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं. जो कि सुविधा प्रबंधक है of money. पैसा देने वाला And है एवरी अर्थली ब्लेसिंग और धरती के हर एक आशीर्वाद को heavenly blessing. और स्वर्गीय आशीर्वाद को देने वाला है And also Holy Spirit told me और पवित्र आत्मा ने ये भी कहा that those who are consistently giving जो लगातार देते आ रहे हैं faithfully giving विश्वास योग्यता से दे रहे हैं will not have financial worries after their retirement कि वो चाहे रिटायर क्यों ना हो जाए फिर भी पैसे की तंगी कभी नहीं देखेंगे in Jesus name यीशु के नाम में amen amen okay we have the Lord's Supper now आज प्रभु भोज है If there's anything that is hindering your race, यदि कोई ऐसी बात है जो कृपा के लिए रुकावट खड़ी कर रही है, तो मन में बुरी बातें न रखिए। Every day I remove it along with my wife. पत्नी के साथ हर रोज मैं ये काम करता हूँ। We don't carry anything. कोई मन में बुराई लेके नहीं चलते। So that we can run lightly. ताकि हम हल्के होके दौड़ सके। These sin and sinful things are heavy. ये पाप और पाप के काम बोझ भरे It हैं। It will make you to trip and fall. इससे आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे। And draw your attention away from God. और प्रभु से आपका ध्यान भटक जाएगा। Amen. Amen. Travel lightly. तो हल्के होके दौड़िए। हाँ। Bitterness, hate, anger, jealousy, all this unforgiveness is removed. तो मन में यदि कड़वाहट है नफरत है जलन है अक्षमाएं निकाल फेंकिए हम वचन जानते हैं If we don't forgive, God will not forgive. यदि हम औरों को क्षमा न करें तो प्रभु भी हमें क्षमा नहीं करेगा revelation on this in Pune church. तो पुना पर इस पर प्रकाश मैंने डाला ये मसीहा था तो आप वो सुन सकते हैं Don't carry bitterness against your husband, your wife, and your children. पति, पत्नी, घरवालों को लेकर, बच्चों को लेकर मन में कड़वाहट, नफरत मत रखिए। Children also must not carry all this. तो बच्चों के मन में भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। It will make you to stumble and fall. इससे आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे। In Jesus' name. अर्थात यीशु के नाम। God never brings sickness. प्रभु कदीस आजार आनत नहीं। प्रभु बीमारी नहीं देता है। Amen. Remember this. लक्षात गया। Bring those who are जे खाली पड़त है पटकन वर्ग प्रार्थना करता है जाऊ नका
तुमचं आरोग्य प्रियानो आज तुम्ही घेऊन जाणार आहात. विश्वासाने उभे राहा. पास्टर प्रार्थना करत आहेत. हालेलुया. थँक यू जीसस. वी गिव्ह यू प्रेज. क्लोज युअर आयज. डोळे बंद करा. देवाकडे प्रियानो तुमचं लक्ष लावा. तुमच्या आत वर करा. धन्यवाद द्या. हालेलुया. प्रेज जीसस. प्रेज युअर प्रेज. Bless you, Jesus. Cleanse them clean. Praise, wash in praise, the blood of God. Praise, in the praise, name of Jesus. Praise, and command all infants out. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Break every witchcraft power. Pratyek adicha samarthya me todnare. In the name of Jesus. Prabhu Yeshu chanava. Every power of witchcraft. Pratyek adicha samarthya. Be broken. Tutle jao. Dhanyavad. Keep your right hand and pray for you. Ani baat tumcha jo aat theva pastor prarthana karta hai. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया. स्तुति करत रहा प्रियानो. धन्यवाद या. धन्यवाद या. हालेलुया. प्रेज यू. प्रेज यू. प्रेज यू. प्रेज यू. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज यू. थैंक यू जीसस. बोला धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु यीशु. बोला धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. डेमोनिक पावर. कुठले सैतान सामर्थ्य असो विच क्राफ्ट पावर. कुठले कणी असो इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु चनावा. इट शल बी ब्रोकन. ते तुटते जाईल. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. See the power in the name of Jesus. पाहा येशूच्या नावाचं सामर्थ्य. Believe in his name. त्याच्या नावात विश्वास. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Out of her life. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. In Jesus name. Glorious Lord. Glorious. Thank you. नाचूंगा येशु नाम को पूजा करूंगा नाम येशु नाम को ऊंचा करूंगा मेरी जिंदगी में मसीह मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा हो प्रभु कधीच आजार आणत नाही. प्रभु बिमारीने देता. रिमेंबर दिस. लक्षात घ्या.